बस बैठते 15 मिनट सारी लगेंगी। बीस त्यागी एचपीएम केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी की तरफ से आज की किसान गोष्ठी में आयोजित सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। सभी किसान भाइयों ने अपना जरूरी काम छोड़ के जो आज की किसान गोष्ठी में हिस्सा लिया है, उसके लिए मैं पुनः एक बार सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मुझे आप सभी किसान भाइयों से पता चला है, यहां आपके इस एरिया में आलू की खेती बहुत बड़े स्केल पे की जाती है, बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। तो उसके लिए हमारी एचपीएम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी की द्वारा कई तरह की दवाइयां आती हैं, जैसे कीटनाशक, फफूंदी नाशक और खरपतवार नाशक। तो सबसे बड़ी जो आलू में दिक्कत आती है वो फफूंदी की आती है। जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं, आलू में अगेती झुलसा और पछेती झुलसा का बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेती है, जिसकी वजह से किसान भाइयों का 50-60-70% तक, इवन की 80% तक भी नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए मेरी कंपनी का ये एक प्रोडक्ट आता है, ये प्रीडक्ट। यदि आप इसको 25-30 ml प्रति टंकी के हिसाब से लगाएंगे तो उसे आपके खेत में यदि ब्लाइट आई हुई है तो वो ख़त्म हो जाएगी, और यदि ब्लाइट नहीं आई हुई है तो 15 दिन तक ब्लाइट आएगी भी नहीं। तो ये प्रोडक्ट ऐसी फफूंदी नाशक है जो लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट दोनों को रोकथाम करती है। तो इसमें मिला के आप अकेले, क्योंकि किसान का लेबर का खर्च बहुत अधिक आता है, एक बार में एक ही दवाई ना करें, उसमें जैसे जिस टाइम आपकी 30 से 35 दिन की फसल हो जाए उस टाइम में आप ये हमारा एक 24 कैरेट आता है, 24 कैरेट इसको, इसमें जिब्रेलिक एसिड है, इसको 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से मिला के यदि आप स्प्रे करेंगे तो आपके खेत का जो कंद छोटे छोटे बन रहे हैं वो तेजी से उनका साइज डेवलप होगा, आलू कंद संख्या में अधिक बनेंगे, आलू का बड़ा साइज होगा और पैदावार तो आपकी इतनी निकलेगी कि जो है कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो एक तो आपको ये दवाई हो गई प्रीडेक्ट, दूसरी आपकी ये 24 कैरेट हो गई, ये दो दवाई होगी। लेकिन जैसा कि अभी मैं कुछ किसान भाइयों के खेतों में गया, खेतों में जाने के बाद में मैंने देखा कि अभी मच्छर भी आया हुआ है, तो मच्छर के लिए मेरी कंपनी का जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आता है वो टाइफोन है। यदि आप टाइफोन को 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से इन्हीं दो दवाई में मिला लेंगे और स्प्रे कर देंगे तो जो है आपके में जो एफिड, जैसिड, थ्रिप्स यानी कि तेला, चेपा, माहू आदि रस चूसने वाले जो कीड़े फसल में लगे हुए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। दूसरी नेक्स्ट स्प्रे की बात आती है, नेक्स्ट स्प्रे में आप जो है खेत की कंडीशन देखने के बाद में हमारा एक बतिस्टा नाम का प्रोडक्ट आता है, जिसको सभी किसान भाई मेरे इस आपके इस एरिया के अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वो भी ब्लाइट में काम करता है, उसको भी आपको जो है 40-50 ml प्रति टंकी के हिसाब से मिला लेंगे। और दूसरी दवाई फिर आपको उसमें जो है वही, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सेवन स्टार है, जो सेवन स्टार है उसको लेना पड़ेगा। सेवन स्टार को 100 ग्राम प्रति एकड़ या 10 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से दोनों दवाई को मिला लो, सेवन स्टार को और बतिस्टा को। मिलाने के बाद में आप अपने खेत में स्प्रे कर दो, और करने के बाद में यदि कहीं आलू की ब्लाइट आ रही है तो वो ब्लाइट ख़त्म हो जाएगी, और यदि नहीं भी आ रही है तो मैं ये कह सकता हूँ 15 दिन तक आपके आलू के खेत में ब्लाइट आएगी भी नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्प्रे जो होता है तीसरा, जो लगभग 65-70 दिन के आसपास की जब फसल हो जाती है वो टाइम आता है, उसमें भी आपको यदि जो है ब्लाइट बहुत भयंकर आई हुई है तो उस टाइम पे तो
तो आपको ये फ्री डेक्ट लेना पड़ेगा, और यदि ब्लाइट हल्की है तो आपका बतिस्ता से भी काम चल जाएगा। यदि प्री डेक्ट, ये खेत की उस टाइम की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो यदि ब्लाइट का असर आपको ज़्यादा दिखाई देता है तो ये 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से आपको प्री डेक्ट लेना पड़ेगा। यदि ब्लाइट नहीं है तो फिर उस टाइम पे आपका बतिस्ता से भी काम चल जाएगा। बतिस्ता आपको 40 से 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से लेना पड़ेगा, और उसमें आपको रस चूसने वाले कीड़े के लिए आपको वही दवाई मिलानी है, सेवन स्टार। सेवन स्टार की जो मात्रा रखनी है वो आपको एक टंकी में जो है 10 ग्राम, एक टंकी में 10 ग्राम, यानी कि 1 एकड़ में 100 ग्राम के हिसाब से दोनों दवाई को मिलाओ। मिलाने के बाद में स्प्रे कर दो, और करने के बाद में आपकी जो भुनगे की समस्या है वो भी ख़त्म, और जो है इसके बाद में जो ब्लाइट की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लोग किसान कहते हैं मेड़ प्रति चले जाए खेत में घुसे। देखो अभी